नमस्कार, इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक अच्छी लाइफ, अच्छी जिंदगी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक हैप्पी लाइफ हम जी सकते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि डोंट डिपेंड ऑन भाग्य, भाग्य में डिपेंड मत रहिए। खुशियां यू ही नहीं आता, उसको बनाना पड़ता है। हम सोचते हैं कि जिंदगी जैसे लिखे गए हैं वैसे ही होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य में जितना सुख है, जितना दुख है वो मिलेगा, ये ठीक नहीं है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं सब कुछ कि जैसे चल रहा है सब कुछ चलने दो, ऐसे नहीं। खुशियां हम क्रिएट कर सकते हैं। जो खुशियां है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है वो हमें लर्न करना पड़ता है। तो वो हम कैसे जाने, कैसे सीखे कि ये जो खुशियां है उसको कैसे क्रिएट करते हैं, ये एक स्किल है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, प्रैक्टिस करते करते इसको हैबिट बनाया जा सकता है, ठीक है। लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाया जा सकता है। हम एक मेन चीज कर सकते हैं हैप्पी लाइफ क्रिएट करने के लिए, आपका प्रोफेशन, आपका जो भी प्रोफेशन है, आपका काम जो भी है, लाइफ का जो आदर्श जो एस्पेक्ट है उसको अभी साइड में करते हैं। अभी हम फोकस करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। जब आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे करते हैं तब आपका लाइफ हैप्पी होने लगता है, ठीक है। मैं जो बाकी सारा चीज है लाइफ में से वो साइड में रखा, अभी वो भी जरूरी है, लेकिन अभी सिर्फ बात करते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है। जब हम अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करते हैं तब हम हैप्पी होते हैं जिंदगी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था, एक स्टडी हुआ था 1938 से लेकर 2017 तक, वहां तक अभी शो कर रहा है, अपडेट किया है 2017 तक, शायद अभी भी चल रहा है। तो इतना लंबा एक स्टडी हुआ है 724 पीपल के ऊपर। उस स्टडी में वो जो 726 लोग था उसके ऊपर, उसका जो पूरा लाइफ है उसको स्टडी किया गया। हर 2 साल में एक एक आदमी के पास जाकर उसके लाइफ में क्या चल रहा है उसको जाना गया। उसका जो आसपास में जो उसका फ्रेंड्स है, उसका जो रिलेटिव्स है, उसका फैमिली है, उनका भी इंटरव्यू लिया गया। तो ऐसे करके इतना बड़ा स्टडी करके जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट में ये बताया गया कि जिस व्यक्ति के जीवन में रिलेशनशिप्स सबसे अच्छा था वही व्यक्ति जीवन में खुश था, उसका जो पूरा लाइफ हैप्पी था उसका लाइफ। जब आप अपने जीवन में रिलेशनशिप्स को अच्छे कर लेते हैं तभी आप एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, एक हैप्पी लाइफ आपको मिलता है। तो रिलेशनशिप्स कैसे अच्छा किया जाता है, ये क्या आप सोचोगे तो हो जाएंगे? नहीं, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली चीजें करना पड़ेगा, तभी आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, पूरा का पूरा रिलेशनशिप्स आपके मदर के साथ, आपके फादर के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, सबके साथ। आपका जो व्यवहार है उसको चेंज करके आप अपने रिलेशनशिप्स को बदल सकते हैं, और भी बहुत सारा कुछ है, ठीक है। उसके ऊपर काम करके आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स के ऊपर एक बुक है जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, इसका ऑडियो बुक सुनते हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं। उस जो नॉलेज है बुक से लिया, उस नॉलेज को लाइफ में अप्लाई किया, जहाँ आपको दिखता है कि हाँ यहाँ अप्लाई हो सकता है, आप अप्लाई कर दिए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे 1 साल 2 साल 3 साल कि आपका रिलेशनशिप्स बेटर हो रहा है। और भी बहुत सारा बुक्स है रिलेशनशिप्स के ऊपर, आप किसी को भी लेकर
आप नॉलेज ले सकते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, आपको समझ में आने लगेंगे कि दूसरे जो व्यक्ति है वो जो बोल रहा है ना वो क्यों बोल रहा है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। और ये सब समझ के आप जैसे एक्ट करेंगे उसके ऊपर निर्भर करता है सब कुछ, ठीक है। तो मतलब आप बुक पढ़िए, बुक पढ़िए तो आपका रिलेशनशिप्स अच्छा बनेगा जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो। और क्या करेंगे आप, सिर्फ सोचने से, पॉजिटिव सोचने से रिलेशनशिप्स अच्छा नहीं बनता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली स्टेप उठाना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि उसके और मेरे बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे हैं लेकिन आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। लाइक एक महीने से आपका जो फ्रेंड है या फिर रिलेटिव है उसके बीच में कोई बात ही नहीं हुआ। अभी तो फ़ोन है, इंटरनेट है, तो अभी आप ऑनलाइन वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कनेक्ट रहने के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा आपको, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा तभी बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। आप माइंड पे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकली आप स्टेप लीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करिए, धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो लाइफ है वो बेटर हो रहा है, एक हैप्पी लाइफ क्रिएट हो रहा है। ऑफ कोर्स दूसरा जो एस्पेक्ट्स है उस पर भी फोकस करें, ठीक है, उसको भी साथ में ले आए। लेकिन ये जो रिलेशनशिप्स है इसको कभी डिनाई मत करें। रिलेशनशिप्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अगर आप एक हैप्पी लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो